जागो जनता जागो, अपने अधिकार को मांगो और जनप्रतिनिधियों से जो है ना जवाब मांगो कि तुमने क्या दिया हमको, आगे क्या दोगे। 10 साल से यदि सांसद सरकार में रहते हुए जमशेदपुर के लिए कोई उपलब्धि नहीं है तो इसके बाद 2050 में दीजिएगा आप। झारखंड के नेता जो है ना जनता को बरगला के खाली उसका समर्थन लेना चाहते हैं, देने के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है। वो खुद भिखमंगे हैं, उनकी सोच भिखमंगों वाली है, इसलिए वो जनता को कुछ देना नहीं चाहते। स्वास्थ्य मंत्री झारखंड का इसी शहर से है और आप जा करके देखिए MGM का हालत, जमीन में सोला करके इलाज हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, गैर कंपनी क्षेत्र और कंपनी क्षेत्र में जो जमीन आसमान का अंतर है उस अंतर को पाटेंगे और जमीन को उठा के आसमान पर बिठा देंगे। 80 करोड़ आदमी जब 5 किलो राशन पे निर्भर हो गया, आप उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बोलेंगे इस देश का। युवा का हालत देख लीजिए, किसी के पास रोजगार नहीं है, माने MTech, BTech और माने मास्टर्स डिग्री लेके लोग प्यून का नौकरी खोज रहे हैं। 4 साल का युवाओं को अग्निवीर दे करके आप रिटायर करना चाहते हो, किस प्रकार की सोच है आपका? आपका मिशन और विजन ही बता रहा है कि आप देश को एक गर्त में ले जाकर धकेलने का काम करना चाहते हो। जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है, बार बार उनको जो है ना एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सारे दल मिल के प्रयास कर रहे हैं और खरीद फरोख्त जो जनता को सामूहिक रूप से बेच दिया जा रहा है, कोई खरीद ले रहा है, ये कैसा खेल है भैया? इसी के लिए मैं जमशेदपुर की जनता को जगाने के लिए मैं मैदान में हूँ कि जागो जनता जागो, अपने अधिकार को मांगो और जनप्रतिनिधियों से जो है ना जवाब मांगो कि तुमने क्या दिया हमको, आगे क्या दोगे। 10 साल से यदि सांसद सरकार में रहते हुए जमशेदपुर के लिए कोई उपलब्धि नहीं है तो इसके बाद 2050 में दीजिएगा आप। आज पूरे जमशेदपुर के कंपनी, गैर कंपनी क्षेत्रों की इस दुर्दशा को देखिए, लोग रात भर लाइन लग के पानी भर रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताब होना चाहिए वो बाल्टी और गैलन लेके घूम रहे हैं। जिन बूढ़ी माताओं बहनों के हाथ में बच्चे होना चाहिए वो जो है गैलन, डब्बा, बाल्टी लेकर के रात रात भर लाइन में लगे हुए हैं। तो कैसी दुर्दशा है भैया, इस दुर्दशा से बाहर करने के लिए जमशेदपुर की जनता के लिए हम आए हैं। आपने कांग्रेस पार्टी को काफ़ी वर्षों से आपने समय दिया, तो क्या लगा कि कांग्रेस पार्टी को आपने क्यों छोड़ा, क्या लगा? कांग्रेस पार्टी जो है घटक दलों से, छोटे छोटे जो दल है वो बहुत ज़्यादा दबाव में है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत दबाव बना रही है और आलाकमान को जो है ना लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं। कांग्रेस के आलाकमान की सोच अच्छी है, उनको कुछ करने का, बहुत कुछ करने का अच्छा उनके पास सोच है, लेकिन उनके नीचे जो लोग हैं उनको भटका रहे हैं, उनको वास्तविकता से पूरा अलग कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के हितों के साथ यदि आप समझौता करेंगे तो आपको जाना किस, आप किसके लिए सेवा करना चाहते हैं। यदि मैं राजनीतिक पार्टी में रहूं या कहीं भी रहूं, लक्ष्य तो जन सेवा है। यदि जन सेवा में जन हितों से यदि समझौता करना हो तो मैं वैसी किसी भी दल के साथ नहीं रहना पसंद करूँगा और ना हमको उसके लिए कोई दल की बाध्यता है। जन सेवा करना है तो जनता के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है जब लोकसभा या विधानसभा कोई भी चुनाव होते हैं तो जो नेता हैं या जो भी दल के लोग हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब धरातल पर रखने की बात आती है तो वो किस कदम पीछे रहते हैं? लोगों में जो है ना विजन और मिशन का भारी किल्लत है। झारखंड के नेता जो है ना जनता को बरगला के खाली उसका समर्थन लेना चाहते हैं, देने के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। वो खुद भिखमंगे हैं, उनकी सोच भिखमंगों वाली है, इसलिए वो जनता को कुछ देना नहीं चाहते। वरना झारखंड इतना समृद्ध प्रदेश है और यदि उनके पास देने की सोच हो तो आप जान जाइए, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड का इसी शहर से है और आप जा करके देखिए MGM का हालत, जमीन में सोला करके इलाज हो रहा है। यदि मैं बोलता हूँ भगवान धरती पर हो और उसके बाद भी कोई आदमी पीड़ित हो तो वैसा भगवान रहने नहीं रहने से क्या मतलब है? वैसे भगवान को मारो, फेंक दो, कोई मतलब नहीं हो ऐसी भगवान की। तो जमशेदपुर की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप जीतते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, गैर कंपनी क्षेत्र और कंपनी क्षेत्र में जो जमीन आसमान का अंतर है उस अंतर को पाटेंगे और जमीन को उठा के आसमान पर बिठा देंगे। लेकिन लगता नहीं है BJP एक बड़ी पार्टी है, जब टिकट प्रत्याशी के रूप में चुना गया है विद्युत महतो जी को, तो एक कांटे की टक्कर होगी JMM और BJP में, उसके बावजूद भी निर्दलीय? कोई कांटे की टक्कर नहीं है,
कांटा तो सिर्फ इतना है कि मैं आकर के कांटा लगा दिया हूँ, बस इतना ही कांटा है। वहाँ तो पूरा कंप्लीट डील है। यदि इतनी बड़ी पार्टी को कोई डर नहीं होता तो फिर क्यों खरीदती और डमी कैंडिडेट की क्या आवश्यकता थी? आप खुला मैदान में आइए ना, जनता को हक दीजिए उसका कि वो चुनाव करे। क्यों आप जनता को फंसा करके विकल्प उसका छीनना चाहते हो? हैं, दो पार्टी साठ गांठ करके एक पार्टी को जिताने का काम कर रही है, क्यों ऐसा करना चाह रहे हो? ये भारी धोखाधड़ी है, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो तो हमेशा 14 के 14 सीट या 400 पार के नारा लगा रहे हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो वादे और भरोसाएं हैं ये सारे खोखले हैं। आप देख लीजिए, 10 वर्षों में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरा का पूरा आप जो उनका ज्ञान घोषणा पत्र है, पार्टी के जो घोषणा पत्र है, ज्ञान, गरीब और युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, गरीब का हाल बेचारा पूरे देश में घूम के देखिए, सारे लोग गरीब हो गए हैं। 80 करोड़ आदमी जब 5 किलो राशन पे निर्भर हो गया, आप उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बोलेंगे इस देश का। युवा का हालत देख लीजिए, किसी के पास रोजगार नहीं है, माने एमटेक, बीटेक और माने मास्टर्स डिग्री लेके लोग प्यून का नौकरी खोज रहे हैं। 4 साल का युवाओं को अग्निवीर दे करके आप रिटायर करना चाहते हो, किस प्रकार की सोच है आपका? आपका मिशन और विजन ही बता रहा है कि आप देश को एक गर्त में ले जाकर धकेलने का काम करना चाहते हो। जिस नारी शक्ति की बात करना चाहते हो, महिला पहलवान दिल्ली में आंदोलन किए, मणिपुर में जो नारियों को नंगा घुमाया गया, उन नारी शक्ति के बारे में आपकी क्या सोच है थोड़ा बताइए? मैं जानना चाहता हूँ, देश की जनता को बताइए कि वो नारी थी या कोई और थी जिसको नंगा करके घुमाया गया? महिला पहलवान नारी थी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी? अन्नदाता की जिस बात कर रहे हैं आप, दिल्ली में अन्नदाताओं के लिए गोले बरसा रहे हैं, खीले लगवा रहे हैं, वो अन्नदाता नहीं है। कहाँ के अन्नदाता? ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे अन्नदाता? सारा झूठ है भैया, धोखाधड़ी है और कुछ नहीं है।